अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित चक्रतीर्थ पर चौड़ीकरण मामले को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज के महामंत्री राजेश पांडे के नेतृत्व चक्रतीर्थ के मोहल्ले वासियों ने डीएम नितेश कुमार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सभी मोहल्ले वासियों ने परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण मामले को लेकर मांग किया है कि चक्रतीर्थ मोहल्ले से सड़क चौड़ीकरण ना करें, बल्कि चक्रतीर्थ मोहल्ले के पीछे खाली पड़ी नजूल की जमीन से रास्ता निकाला जाए, ताकि हम गरीब लोगों का आवास ना टूटे, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं और हमारे पास घर के अलावा कुछ नहीं। इसलिए सरकार से मांग किया है कि हमारे घरों को नपाई ना किया जाए। परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण चक्रतीर्थ मोहल्ले के पीछे खाली पड़ी नजूल की जमीन से परिक्रमा मार्ग निकाला जाए, जिससे हम गरीबों का मकान और आवास उजड़ने से बच सके। वही तीर्थ पुरोहित समाज के महामंत्री राजेश पांडे ने बताया कि परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण का मामला है। चक्रतीर्थ मोहल्ले में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग बसे हुए हैं। परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण में इन सभी का मकान जाने का डर है और सरकार के द्वारा नपाई हो रही है। कहां रहेंगे? इस जगह पे पीढ़ी और दर पीढ़ी से सभी लोग रहते चले आए हुए हैं। हम सभी का कई जन्मों का पुश्तैनी मकान है और इसका उपचार भी है कि पूर्व में हम सभी के मकान के पीछे से ही नपाई हुआ था, इसके पीछे से ही मकान छोड़। हम सभी माताएं बहनें बड़े बुजुर्गों का यही मांग है। आज सैकड़ों की संख्या में हम सभी फैजाबाद कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जा करके और अपनी जन्मभूमि छूट गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सरकार से यही प्रार्थना है अधिकारियों से कि हम सभी के मकानों को छोड़ करके उन्हें पीछे से निर्माण कराया जाए, जिससे हम सभी बड़े हैं। बताओ 20-15 परिवार है, कहाँ जाए सबका लेके? हम तो रोड पर सो जाए, मगर बिटियन पर तो होगा, कहाँ रोड पर सो आए दी? पीछे मार्ग से गवाह है, पीछे से ले जाए। विनती है आप सबसे कि हमारे सब लोग के नाती पोतक बाहर ना निकाले, ना ना छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाए। बस यही विनती है सरकार से, हाथ जोड़ के निवेदन बाय कि पीछे रास्ता से लेके जाए, यहाँ से न ले जाए। सर हमारा उषा देवी नाम है, लोग पीछे रहा। सियाराम, चक्रतीर्थ पर परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण का मामला है। इसमें सैकड़ों और हजारों की संख्या में दाहिने और बाएं लोग बसे हुए हैं। चौड़ीकरण में इन सभी का मकान जाने का सिलसिला सरकार के द्वारा नाप हो रही है। इसमें पूरी जनता बहुत ही जर्जर स्थिति में है, बहुत ही गरीब स्थिति में है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस भूमि पर रहती चली आई है। आज उनकी ऐसी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि वो कहीं जमीन लेकर के कहीं बना सके। इसलिए जनता बहुत ही पीड़ित है और जनता अपने मकानों को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और गरीब लोग इस परिक्रमा मार्ग पर बसे हुए हैं। और सरकार के पास ऑप्शन भी है कि हम सभी के मकान के पीछे नजूल की भूमि सरकारी भूमि है, इसके पूर्व में नपाई भी हो चुकी है कि उस रास्ते से बनाया जाता, फिर भी सरकार इधर नाप जो करा रही है। तो सभी का मांग है कि इधर से नाप छोड़ दें, चौड़ीकरण ना करावें और पूरी जनता के ऊपर रहम बख्शा जाए, जिससे गरीब इस अयोध्या से बेघर ना हो सके, उनकी घर से न छोड़ा जाए, ये सभी का मांग है। अच्छा, आज आप लोग गए थे कुछ ज्ञापन आप में किसी को? आज हम लोग फैजाबाद कलेक्टर के जिला अधिकारी महोदय जी से नहीं मुलाकात हो पाया, उनके जो संघीय अधिकारी मिले उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया और अपनी दर्द और अपनी स्थिति बताई गई कि हम लोगों की वही स्थिति नहीं है जो हम अपने मकान को छोड़ करके कहीं रह सकते हैं। और एडीएम महोदय जी का भी हम लोग मिल करके उनका सम्मान किया, अपनी दर्द को रखा गया पीड़ित की। आज ये जनता बहुत ही पीड़ित है और इस पीड़ा में जो भी सहयोग हमारा, चाहे शासन प्रशासन चाहे मीडिया के माध्यम से हमारा होगा, मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा कि हम सभी क्षेत्रवासियों का मकान न जाए। इसलिए सभी से हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे मकान को बचाया जाए और हम लोग बेघर ना हो सके। कि ये परिक्रमा मार्ग जो जा रहा है इसके दोनों तरफ 10-10 मीटर ले रहे हैं, जबकि किसी का मकान 25 मीटर है लंबा और किसी का 30 मीटर है, और किसी के पास 4 कमरे हैं लेकिन उनका परिवार 14 आदमी है। वो किस प्रकार 4 कमरे में 14 आदमी का जीवन यापन कर रहे हैं ये वही जानते हैं। और इन लोगों का तीर्थ पुरोहित का काम है डेली गड्ढा खोदना, डेली पानी पीना। और पीछे के साइड में आज के पहले ही एक बार नाप जोक हुई थी तो ये हुआ कि परिक्रमा मार्ग इधर खेत की तरफ से होते हुए राजघाट पर जाकर के मिलाया जाएगा। अब
इस साइड उसको छोड़ करके इस साइड में नाप हो रहा है, तो जब जिसका 30 फुट है और 10 मीटर लिया जा रहा है तो उसको तो उसका तो सब चला गया। और किसी भी यहाँ के नागरिक या मोहल्ले वाले रहने वालों के ये क्षमता नहीं है कि हम अन्यंत्र कहीं जा कर के ज़मीन खरीद लें, और ना तो हम लोगों के पास अन्यंत्र कहीं ज़मीन है, और ना कोई दुकान है, और ना कोई मकान है। इसका चाहे शासन प्रशासन पता लगा सकता है कि क्या इनके लोगों के पास कहीं अन्यंत्र रहने की व्यवस्था है। और हम यही शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि शासन प्रशासन पीछे की साइड से परिक्रमा मार्ग निकाल ले। हम गरीब लोगों का रैन बसेरा, हमारे बच्चों का बचा रहे, यही हमारी शासन प्रशासन से हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है। आज आप लोग ज्ञापन देने गए थे? जी, ज्ञापन देने गए थे हम पूरे मोहल्लावासी लोग। वार्ड एडीएम साहब को उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम आएंगे और निरीक्षण भी करेंगे। हमारे छोटे छोटे यही पाल बच्चे श्री मांगूलाल पांडे, चक्र तीर्थ परिक्रमा मार्ग, और यही से अगर हमारा नाता टूट गया तो कहाँ जाएं, किस दुनिया में चले जाएं? बच्चे हमारे बर्बाद हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ रहेंगे बताइए आप? जो भैया बोले वो साहब को मुकेश पांडे रहती हूँ, पूरा पुश्तैनी यही बीत गया, बाप दादा के सबके, अब हमारे सबके छोटे छोटे बच्चे, कहीं जगह जमीन भी नहीं है, चला जाएगा। पीछे जमीन पड़ा है, नजूली है, उसको सरकार ले ली जाए, इधर छोटे छोटे हमको सबको बख्श दिया जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि इधर से कोई का ना जाए, बहुत गरीब दुखिया इधर है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अगर ना एक इतना धन दौलत है कि कहीं जमीन लेके हम लोग बनवा लेंगे, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है इधर की छोड़ दिया जाए, पीछे से ले लिया जाए। मिथिलेश पांडे, मामला यही है कि हमारे पास एक ही कमरा है ना, हमारे पास जमीन है ना, हमारे पास रुपया है, परिक्रमा मार्ग रोड पे हम रहते हैं। हमारी निवेदन यही है कि पीछे से नजूली जमीन खाली है, वहाँ से लिया जाए, हमें छोड़ दिया जाए, हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके। यही है, हम बहुत परेशान हैं और सभी लोग परेशान हैं चक्र तीर्थ परिक्रमा मार्ग रोड पे। रोड वो बता तो रहे हैं चक्र तीर्थ परिक्रमा मार्ग, उसी सरकार 10 मीटर ले रहे हैं, ये दोनों तरफ से 20 मीटर ले रहे हैं सरकार। हमारी निवेदन है सरकार से यही कि यहाँ से पीछे से ले ले, पर आगे छोड़ दिया जाए, हम गरीबों लोग कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके, हमारे पास कुछ है नहीं। अंतिमा पांडे, जो चक्र तीर्थ पे जो चौरीकरण मामला चल रहा है, यही है कि इसको मत कीजिए, पीछे से ले लीजिए, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, तब कहाँ जाएंगे? कोई मतलब सरकारी नौकरी तो है नहीं कि मतलब कहीं और जमीन लेके बनवा लेंगे, यही है सब पूजा पाठ वाला काम है। चौरीकरण जो कर रहे हैं वो पीछे से करें, यहाँ से ना करें। पीछे है, हाँ पीछे है जगह, नजूली जमीन है, बहुत ज्यादा है, जबकि वहाँ पूरा बन सकता है, इतना है, यहाँ तो सबका बेकार हो जाएगा, सब घर परिवार। क्या मांग कर रहे हैं आप? बस यही है कि चौरीकरण ना करें यहाँ का, पीछे से करें। क्या नाम आपका? रूबी पांडे।